भारी पड़ा उद्धव सरकार से पंगा, बीएमसी ने तोड़ा ऑफिस, ड्रग्स मामले में भी जांच करेगी मुंबई पुलिस। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव सरकार से पंगा लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मुंबई को पीओके बोलने के बाद कंगना महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार के निशाने पर हैं। बीएमसी द्वारा कंगना का ऑफिस तोड़ा जाना इसका सबूत है। बुधवार को बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक के बावजूद कंगना का ऑफिस तोड़ डाला। कंगना की ओर से दावा किया गया था कि वहां कोई भी अवैध निर्माण नहीं हुआ है, इसके बावजूद बीएमसी ने सरकार के दबाव में कार्रवाई की, जो अब फजीहत का कारण बन रही है। फिलहाल अपने ट्वीट और बिंदास बोल के कारण विवादों में घिरी कंगना करनी सेना और वायु श्रेणी सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंच गई हैं। हालांकि खबर है कि मुंबई पुलिस अब उनके ड्रग कनेक्शन की भी जांच करने वाली है। इसका संकेत गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2 दिन पहले ही दे दिया था। जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया, उसके उत्तर में मैंने वहां पे बोला कि कंगना रुनावत जो है उसके तालुकात या संबंध जो भी है शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है। और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया, इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी, इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। वहीं इस मामले पर मानसून अधिवेशन में भी खूब हंगामा चला। 2 दिनों के अधिवेशन में महाआघाड़ी के मंत्री और कई विधायकों ने कंगना रनौत और पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम करने के खिलाफ लामबंद होकर कार्रवाई की मांग की, जबकि भाजपा इस पर द्वेष की बजाय नियमों के तहत कार्रवाई की वकालत कर रही है। फिलहाल इस विवाद के और गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।